बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान की एक्स वाइफ अमृता सिंह का आज 60वां जन्मदिन है। सैफ इस समय फिल्मों से ज्यादा अपने परिवार और खास करके अपने बेटे तैमूर को काफी समय दे रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैफ अली खान की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रह चुकी है। उन्होंने अब तक 2 शादियाँ की है, लेकिन अपने से 12 साल बड़ी अमृता सिंह से उनकी शादी ज्यादा समय तक चल नहीं सकी थी और इन दोनों का तलाक हो गया था। अमृता सिंह से शादी करने के लिए सैफ अली खान अपने परिवार के खिलाफ भी जा चुके थे। जानकारी के मुताबिक सैफ अली खान की पहली पत्नी यानी अमृता सिंह और सैफ की दूसरी पत्नी करीना कपूर खान को कभी भी एक साथ नहीं देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि अमृता सिंह और करीना कपूर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और इन दोनों की आपस में नहीं बनती। अमृता के दोनों बच्चे करीना के साथ एक स्पेशल बॉन्डिंग शेयर करते हैं, लेकिन माँ अमृता को करीना के साथ उनके बच्चों का घुलना मिलना ज्यादा पसंद नहीं है। अमृता की बेटी सारा अली खान आजकल करीना कपूर से काफी मिलती जुलती हैं, लेकिन ये बात शायद अमृता सिंह को रास नहीं आती है। बता दें कि करीना के जन्मदिन पर सारा ने एक क्रॉप टॉप पहना था जो अमृता को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ऐसा माना जा रहा था कि अमृता चाहती हैं कि सारा उनके जैसे सूट सलवार पहने। अब करीना और अमृता के बीच कैसे रिश्ते हैं ये तो वही बता सकती हैं। फिलहाल अमृता के दोनों बच्चे अक्सर करीना कपूर के साथ समय बिताते और काफी एंजॉय करते नजर आते हैं। तैमूर के जन्म के बाद जब मीडिया ने अमृता सिंह से इस बारे में पूछा था तो वो काफी भड़क गई थी। खैर अमृता का तो पता नहीं, लेकिन उनके बच्चों को करीना से कोई दिक्कत नहीं है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।